दोस्तों नमस्कार, स्टेट जॉब लाइन में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर से आपके एग्जाम के लिए टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस का मॉडल पेपर लेके आए हैं। तो ये एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना और साथ साथ अपना स्कोर जरूर से काउंट करें। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो एक बार जल्दी से सभी साथी लाइव में जुड़ जाओ। और ठीक है, मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने, मुल्तानी मृदा के उत्पादन में राजस्थान के देश में कौन सा स्थान है? तो मुल्तानी मृदा के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? और साथियों यहां पे आज जो 50 क्वेश्चन होने वाले हैं टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इनमें आपके इंडिया जीके, राजस्थान जीके, जनरल साइंस और कंप्यूटर, इन चारों पार्ट्स के क्वेश्चन मिक्स हैं। ठीक है, तो कंप्लीट आपका मॉडल पेपर होने वाला है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। तो साथियों यहां पे राइट आंसर आपका आएगा ए, पहला। मुल्तानी मृदा के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का क्वेश्चन है, जल्दी आप अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी साथी। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो साथियों राइट आंसर आ जाएगा बी, सिस्टम बस। मदरबोर्ड पर सिस्टम बस रहता है जो सीपीयू को अन्य पुर्जों से जोड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है? डांडिया, नेजा, बालर या फिर गेर? जल्दी आप सभी इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है? तो साथियों राइट आंसर आएगा डी, गैर नृत्य किया जाता है। दोस्तों मॉक टेस्ट में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप सभी के लिए काफी जबरदस्त न्यूज और खुशखबरी, अगर आप एसएससी या बैंक एग्जाम या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बड़ी खुशखबरी, अनअकैडमी लाया है अनलॉक 20 ऑफर, जहां पे अगर आप 20% डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आपको दोस्तों एसजीएल 2021 कोड जरूर से यूज करना है। 25 अप्रैल से 28 अप्रैल तक आपका ये स्पेशल ऑफर है। और अगर आप जेई और नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यहां पर डबल खुशखबरी है। ठीक है दोस्तों, अगर आप साथ ही यहां पे 8 से 12 के स्टूडेंट हैं और किसी भी स्टेज पर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी लाया है 45 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन सिर्फ 299 रुपए में। जी हां, सिर्फ 299 में। और अगर आप एसजीएल 2021 कोड लगाएंगे तो एक्स्ट्रा 20% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहां पर आपको काफी सारे बेनिफिट इसमें मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस विद टॉप एजुकेटर, 24/7 डाउट सोल्विंग गाइडेंस फॉर सीबीएसई बोर्ड प्रिपरेशन और पर्सनलाइज अकेडमिक काउंसिलिंग। तो दोस्तों प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का सुनहरा मौका है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। साथ ही दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर डेली आपके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस हो रही हैं, जिनके जरिए घर बैठे आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। क्लासेस का टाइम, जो कल क्लासेस हैं उनका टाइम टेबल कुछ इस प्रकार से है, सुबह 10 से 11 आपकी रीजनिंग की क्लास है, 3 से 4 दोपहर को जीके क्लास है, 7 से 8 शाम को रीजनिंग की दूसरी क्लास है और रात 9 से 10 जनरल साइंस की क्लास है। और ये सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं आपकी एग्जाम के लिए। तो इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर से घर बैठे अपनी एग्जाम की तैयारी यहां से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मॉक टेस्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों वाहनों के अग्रदीपों में, यानी आगे जो हेडलाइट होती है गाड़ियों में, उसमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर परवलीय दर्पण? जल्दी आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं सभी साथी, और साथ साथ अपना स्कोर काउंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों राइट आंसर आपका यहां पे आ जाएगा इसका डी, परवलीय दर्पण। ठीक है दोस्तों, वाहनों के आगे की हेडलाइट में परवलीय दर्पणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई किस स्थान पर स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, अजमेर या बीकानेर? तो दोस्तों राइट आंसर आएगा डी, बीकानेर में स्थित है। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1987 में हुई ये बीकानेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका, निम्नलिखित में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था? तो जल्दी आप अपना राइट आंसर बताएंगे, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था? तो यहां पर आपका राइट आंसर आएगा वेरी गुड ए, ठीक है, राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान का नाम रायथान किस इतिहासकार ने रखा था? केसरी सिंह भारत ने, कर्नल टोड ने, जॉर्ज
टोमस ने या पृथ्वीराज चौहान ने। वेरी गुड, सभी साथी जल्दी से जो भी लाइव है कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, और आंसर आपका जाएगा बी, कर्नल टोड ने। राजस्थान का नाम रायथन है, ये कर्नल टोड ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के प्रथम खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दीनराम, लिंबाराम, घीसालाल यादव या फिर चांदराम। राजस्थान राज्य के प्रथम खेल रत्न पुरस्कार से इनमें से किसको सम्मानित किया गया? साथियों राइट आंसर आएगा बी, लिंबाराम को सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य का एकमात्र विभीषण मंदिर कहां स्थित है? कैथून, केकड़ी, जहाजपुर या फिर बांकलिया। तो जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों राइट आंसर आपका जाएगा ए, कैथून। राज्य का एकमात्र विभीषण मंदिर कहां है? आंसर आएगा ए, कैथून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडीपी क्या है? तो दोस्तों ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल या इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ईडीपी क्या है? जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। आंसर दोस्तों आ जाएगा डी, ईडीपी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी स्टोरेज सीपीयू या इनपुट आउटपुट यूनिट द्वारा। तो इनमें से इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा आपका सीपीयू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, कंप्यूटर, केस, प्रोसेसर या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, दोस्तों आंसर आएगा सी, प्रोसेसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम। तो परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है? दोस्तों राइट आंसर आएगा आपका बी, सीजियम के संक्रमण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? रडार, सोनार, पुकर या इनमें से कोई नहीं। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान या रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? दोस्तों राइट आंसर आएगा आपका बी, सोनार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू इंडिया व कॉमनवील नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किए गए थे? तो न्यू इंडिया व कॉमनवील नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किए गए थे? जल्दी आप अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों आंसर आएगा सी, एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? ठीक है, यानी राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है? दोस्तों आंसर है ए, उदयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? सिसोदिया, हाड़ा, राठौड़ या कछवाहा। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? दोस्तों आंसर आएगा डी, कछवाहा वंश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड की फंक्शन की में कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसमें फंक्शन कीज टोटल कितनी होती हैं? साथियों राइट आंसर आएगा आपका बी, 12। फंक्शन की 12 होती हैं, जैसे F1, F2, F3, F4 ऐसे करके F12 तक होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्कैनर। तो जल्दी आप अपना आंसर बता सकते हैं, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? दोस्तों आंसर आएगा डी, स्कैनर है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए स्कैनर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका साथियों, चमगादड़ बाधाओं का पता लगाते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं प्राध्वनिक तरंगे, प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे,
अवसर्वे ध्वनि तरंगे या फिर सूक्ष्म ध्वनि तरंगे। तो चमगादड़ हैं वो इनमें से किस तरंगों का, कौन से तरंगे उत्पन्न करते हैं जिसकी वजह से वो आपने आगे आने वाली बाधाओं का पता लगा लेते हैं। तो राइट आंसर आपका आएगा बी, परास्रव्य ध्वनि तरंगे। चमगादड़ हैं वो परास्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो इनमें से डेसिबल इकाई का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? प्रकाश की गति नापने के लिए, उष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, या रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए? दोस्तों राइट आंसर आएगा सी, ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल इकाई को प्रयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं? तो तारों के जो अलग अलग रंग हैं वो किसकी विविधता के कारण होते हैं? जल्दी आप आंसर बता सकते हैं। आंसर आ जाएगा ए, तापमान की वजह से। ठीक है, तापमान भिन्न भिन्न होगा, उसकी वजह से उनके जो कलर हैं वो भी भिन्न भिन्न होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआत काल में किस प्रेसिडेंसी को पश्चिमी प्रेसिडेंसी भी कहा जाता था? बॉम्बे, सूरत, पणजी या फिर पुणे? दोस्तों जल्दी से आप आंसर बता सकते हैं। वेरी गुड, राइट आंसर आएगा बी, सूरत को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती काल में सूरत प्रेसिडेंसी को पश्चिमी प्रेसिडेंसी भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीवीडी क्या है? तो दोस्तों डीवीडी का फुल फॉर्म पूछा गया है, जल्दी आप सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डीवीडी क्या है? तो आंसर आएगा बी, डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है सीपीयू, फ्लॉपी डिस्क, डिस्क ड्राइव या फिर हार्डवेयर? तो डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है, यानी कंप्यूटर का कौन सा भाग डिस्क को पढ़ता है? ठीक है, तो आंसर आएगा सी, डिस्क ड्राइव। जो कंप्यूटर में डिस्क ड्राइव होता है, जिसमें हम हार्ड डिस्क डालते हैं, वही डिस्क को पढ़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू के दूसरे पुर्जों को जोड़ता है? ठीक है, तो दोस्तों आंसर इसका बी आएगा, सिस्टम बस। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, चलो कोई नहीं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में तारे चमकते हैं किसकी वजह से? तो रात में तारों के चमकने का कारण क्या है, या फिर हम ये कहें कि रात में तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो दोस्तों आंसर आएगा एक, अनेक अपवर्तनों के कारण। जब सूर्य का प्रकाश तारों से टकराकर हमारे पास पृथ्वी पर आता है, तो बीच में ही उसका बार बार अपवर्तन होता है, जिसकी वजह से जो प्रकाश हमारे पास पहुंचता है बार बार उसकी पोजीशन बदलती रहती है, और इसीलिए हमें तारे हैं वो टिमटिमाते हुए या हम कहें कि चमकते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तक भारत के कितने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो कितने प्रधानमंत्रियों को आज तक भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर आपका जाएगा डी, 7 प्रधानमंत्रियों को। ठीक है, और नाम भी आप यहां पे देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदा और लास्ट में अटल बिहारी वाजपेयी को। ठीक है, ये 7 प्रधानमंत्री हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संत ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा या राणा सांगा? तो जल्दी आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सूफी संत ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? राइट आंसर आएगा बी, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था? तो औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में युद्ध में पराजित किया। तो धर्मत किस राज्य में स्थित है फिलहाल? दोस्तों राइट आंसर आएगा सी, मध्य प्रदेश में। ये जो धर्मत स्थान है ये फिलहाल मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डी ए का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों सी डी ए का तात्पर्य क्या है, अर्थात फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, जल्दी आप अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आंसर आएगा बी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सी डी ए अर्थात कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आजकल जो भी जॉब्स वगैरह होते हैं उनमें पहले जो भी कैंडिडेट होता है जॉब लेने के लिए जाता है उसमें पहले उसका रिज्यूमे देखते हैं, तो वो बनाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर को काम में लेते हैं? आंसर आएगा डी,
ए और बी दोनों को। यहां पे पेज मेकर और एमएस वर्ड, इन दोनों सॉफ्टवेयर की मदद से रेज्यूम बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा जिसकी अपेक्षा अधिक होती है, तो पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा इनमें से कौन सी किरणों की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है, तो आंसर आएगा ए अवरक्त किरणों की अपेक्षा, ठीक है, अवरक्त किरणों की जो ऊर्जा है वो पराबैंगनी किरणों से कम होती है, बाकी जो तीन किरणें आप देख रहे हैं इनकी तो ज्यादा ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है, तो जल्दी आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं, भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है, दोस्तों आंसर आएगा सी मैडम कामा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है, तो बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है, वेरी गुड, जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और राइट आंसर आपका आएगा डी उपापचयन, बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत है उपापचयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपल्ली कहा है, जॉर्ज टोमस, कर्नल टोड, जद्दुनाथ सरकार या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, तो किसने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपल्ली कहा है, आंसर आएगा बी कर्नल टोड ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान का भीष्म कहा जाता है, राजस्थान का भीष्म किसको कहा जाता है, साथियों जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, आंसर आएगा ए कुंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल या फिर तमिलनाडु, तो भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है, आंसर आएगा ए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में सर्वाधिक इंटरनेट यूजर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में अक्षर के नीचे लाल रंग का निशान क्या दर्शाता है, तो एमएस वर्ड में अक्षर के नीचे एक लाल कलर की लाइन आती है कई बार, तो वो क्या चीज व्यक्त करती है या क्या दर्शाती है, आंसर आप जल्दी से बता सकते हैं, राइट आंसर आएगा बी स्पेलिंग में त्रुटि, अगर किसी स्पेलिंग में त्रुटि है, हमने गलत स्पेलिंग टाइप की है, तो यहां पे उसके नीचे लाल कलर की एक लाइन आती है एमएस वर्ड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कनेक्ट, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं, स्टोरेज के, मेमोरी के, आउटपुट के या इनपुट के, आंसर आएगा बी मेमोरी के, ठीक है, जो रैम में जो डाटा होता है अगर एक बार कंप्यूटर बंद हो गया तो वो डाटा पूरा है नष्ट हो जाता है, यानी वो पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार का धातु से बनी होती है जिसका, ठीक है, जो फ्यूज आप देखते हैं घरेलू विद्युत उपकरणों में लगे होते हैं उनमें जो तार होता है वो किस धातु से बना होगा, तो उस तार की विशिष्टता क्या होगी, आंसर आएगा दोस्तों बी उसका गलनांक कम होगा, ठीक है, फ्यूज तार बनाने में जो धातु काम में ली जाती है उसका गलनांक कम होता है, ठीक है, और इसीलिए अगर उसमें ज्यादा धारा प्रवाहित हुई तो वो मेल्ट हो जाता है यानी भाप बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा या फिर शून्य हो जाएगा, तो पानी का पृष्ठ तनाव के ऊपर अपमार्जक का क्या प्रभाव पड़ता है, आंसर आएगा बी घट जाता है, अगर पानी में अपमार्जक मिलाया जाएगा तो पृष्ठ तनाव घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका, जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था, तो जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था, आंसर आप जल्दी से बता सकते हैं, आंसर आएगा बी विलियम होकिंस को कहता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की आपराधिक, सॉरी रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी, 1910, 15, 20 या फिर 25, आंसर आएगा बी 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि सन 1915 में दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जानते हैं, आंसर आएगा ए काठल के नाम से। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ आक्रमण
जो कि 1302 और 3 में था, के समय वहां का शासक कौन था? तो जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ का शासक कौन था? आंसर आएगा ए रतन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका, डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो मान लो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐप ओपन है, कोई भी विंडो ओपन है, तो अगर हम सीधा डेस्कटॉप पर आना चाहते हैं तो शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आंसर आएगा सी, ठीक है, विंडो की प्लस में डी, ये शॉर्टकट की है डेस्कटॉप पर आने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो दोस्तों स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट क्या है? वेरी गुड, जल्दी आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। आंसर आएगा ए विंडो लोगो। स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट है विंडो लोगो। कीबोर्ड में विंडो का अलग से बटन होता है, वही है स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में निम्नलिखित में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता? लिफ्टिंग, ड्रैगिंग, डबल क्लिकिंग या फिर क्लिकिंग? साथ ही राइट आंसर आपका आएगा ए लिफ्टिंग का, ठीक है। विंडोज में माउस तकनीक का किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो वो है लिफ्टिंग का। इसके अलावा ड्रैगिंग, डबल क्लिकिंग और क्लिकिंग, इन तीनों का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन और मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा का चालक है? एल्कोहल, पारद, ईथर या फिर पानी? तो इनमें से सर्वोत्तम ऊष्मा का चालक कौन सा है? जल्दी आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ साथ अपना स्कोर जरूर से काउंट करें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, अर्थात कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा डी पानी। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक सुचालक कौन सा है? तो आंसर है डी पानी है। तो दोस्तों यहां पे अगर आपका जो स्कोर है वो 50 में से 40 प्लस है, इसका मतलब आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त है। लेकिन अगर आपने यहां पे लगभग 35 के आसपास भी स्कोर किया है तो भी आपकी तैयारी दोस्तों ठीक है और आपको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, आप अपना सिलेक्शन आसानी से कंफर्म कर लेंगे। लेकिन अगर आपका स्कोर कम है तो फिर आपको देखिए डेली जो मॉक टेस्ट आ रहे हैं चैनल के ऊपर, हर मॉक टेस्ट में भाग लेने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली मॉक टेस्ट में भाग लेंगे तो धीरे धीरे आपका जो स्कोर है ये इंक्रीज हो जाएगा और आपकी तैयारी भी एकदम जबरदस्त हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इस मॉक टेस्ट में इतना ही। डेली मॉक टेस्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर दीजिए और साथ ही अनअकैडमी के ऊपर जो हमारी प्रोफाइल है जल्दी फॉलो कर लीजिए। बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस आपके लिए चल रही है, राजस्थान पुलिस एग्जाम स्पेशल, और डेली आपकी फिलहाल 4 क्लासेस हैं 30 तारीख तक, और टाइम टेबल आप यहां पर देख सकते हैं। इन क्लासेस का लिंक भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।